नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं गोनाहा प्रखंड के मटियरिया पंचायत में मौजूद हूं और मेरे साथ मुखिया जी खड़े हैं, इस पंचायत के मुखिया जी खड़े हैं। पहले मैं तो मुखिया जी से नाम पूछना चाहूँगा, अपना सुनाम बताइए। दिवाकर पटवारी। अच्छा, ये बताइए कि आप इस बार की चुनाव आपने जीत हासिल की जी, तो कितना वोट से आपने जीत प्राप्त की? 201 वोट। टोटल कितना वोट आपको मिला था? 1069। अच्छा, तो आप अपने जीत हासिल करने के बाद आप शायद अपने पंचायत में चुनाव के समय आप नहीं थे पंचायत में, क्या क्यों नहीं थे? हम जेल चले गए थे, कुछ षड्यंत्रकारियों की षड्यंत्र और राजनीतिक दबाव में लोगों ने हमारे साथ ऐसा गलत दुर्व्यवहार करके हमको जेल भेजवा दिया। अच्छा, अदर गांव में जो लड़ाई हुई थी उसी लड़ाई के दौरान मेरा नाम उसमें 32 नंबर में डलवा दिया था हमको फंसाने के लिए, और हमको पता नहीं था। केस जब प्रूव हो गया उसके बाद हमको पता लगा कि हम पर भी केस। देखिए, ये मुखिया जी जो है कि जेल में रहते हुए भी चुनाव जीते, इस पंचायत के जितने भी जनता है इनको पूरी तरह सपोर्ट किए और अच्छी तरह से जीत हासिल किए। तो इससे ये होता है कि ये मुखिया जी पहले से, अच्छा, या पहले से रह चुके हैं या फिर नया? नहीं, अभी नए ही हैं, पहली बार। मतलब इसके पूरे मुखिया थे? नहीं थे, नहीं, न्यू आए हैं जी। इससे पहले कौन थे मुखिया जी? इससे पहले मुखिया राम प्रसाद मजिदवा, राम मजिदवा निवासी थे। इससे ये साबित होता है कि जनता ने काफ़ी उत्साहित से और खुश होकर इनको मुखिया चुना। तो आपसे अब जनता जब आपको मुखिया चुना तो आपसे बहुत उम्मीद भी करती होगी जनता कि जो है कि अब आपसे बहुत कुछ जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे आप जी। तो बताइए पहले आप क्या काम करेंगे जनता के लिए? पहले हम यहाँ के विकास के बारे में सोचे हैं और सोचेंगे, और यहाँ अभी जो पिछले योजना से जो बची हुई राशि है उसी से जो कल ग्राम सेवक साहब से हमारी बातचीत हुई, और यहाँ अभी नाली और रोड की जो पेपर ब्लॉक की काम शुरुआत होगी, यहाँ हम उनसे बात हुआ तो इससे पता लगा कि इसमें योजनाएं में जो छूटा हुआ योजना है जो 2021 का जो वर्तमान में जो लॉकडाउन लगा था जो उस समय के वर्तमान में मुखिया थे, चुनाव के पहले की बात कर रहे हैं जी, पहले के वो जो निधि बची है उस वो विकास के कार्य में हम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि पिछले वाले जो निधि है उसको हम अपने विकास के काम में लगाएं और जल्दी से जल्दी यहाँ के लोग हमारे मतलब हमारे द्वारा विकास का योजना को सुचारू रूप से चलाएंगे। योजना में किसी भी प्रकार की कोई जो भी सरकार की ओर से योजना आएंगी उसको अच्छी तरह से जो है कि जनता तक पहुँचाएंगे, मुखिया जी ये कह रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि यहाँ के इस पंचायत के मजदूरों के लिए क्या कहना चाहते हैं, रोजगार के पे क्या क्या कहना? रोजगार के लिए अभी तो जैसे कल बात हुआ तो सार्वजनिक पोखरा अगर हो उसका काम होगा तो यहाँ के लोगों का थोड़ा सा रोजगार मिलेगा, और साथ ही में जैसे योजना के तहत हमको पता लगा है कि अब मुखिया के द्वारा यहाँ कुछ मतलब धंधा वंधा भी गवर्नमेंट देगा, कुटीर उद्योग देगा, बेकरी और जैसे बुनाई चुनाई की काम, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जनता तक रोजगार भी हम हमारे जरिए पहुँचे। हम सरकार से मांग भी करेंगे, मुखिया जी का रोजगार पे 90% से 100% ये है मुद्दा है कि ये रोजगार को सुचारू रूप से जनता तक जो भी बेरोजगार यहाँ पे हैं उनको रोजगार दिलवाएंगे। उसके बाद शिक्षा पे आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा पे भी हम जोर डालेंगे क्योंकि ये भी यही गांव जो देख लीजिए ये दलित बस्ती है, यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़ेपन में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ अभी तक पुराने जो बीते हुए मैंने दिन है इसमें कोई विकास नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे स्कूल भी हम कोशिश करेंगे कि स्कूल के शिक्षक लोगों से मिले और उनसे बोले कि यहाँ गरीब बस्ती है, यहाँ के लोगों को मतलब ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है कि अच्छे स्कूल में ले जाकर पढ़ाएं। आपके पंचायत में सरकारी विद्यालय? हाँ है, प्राइमरी है? प्राइमरी है, पाँचवीं तक पढ़ाई होती है जी, पाँचवीं उसके ऊपर आठवीं तक पढ़ाई करने वाले कोई सरकारी विद्यालय नहीं इस पंचायत में? तो अभी नहीं है, बेसंडी है, पड़ोसी पंचायत इस पंचायत मजिदों में है। आपके ही पंचायत में पढ़ते हैं जी, मजिदों आठवीं तक उसमें पढ़ाई होती है, हाई स्कूल तो
दसवीं तक होती है। अच्छा अच्छा, चलिए तो यहाँ के विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बच्चों को तो पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं होती होगी क्योंकि पास में सरकारी विद्यालय है, फिर भी उन बच्चों के लिए आप एक निजी कोचिंग संस्था वगैरह पे आप जो है कि उसको स्टार्टअप करवा के बच्चों का पढ़ाई होगा कि नहीं? अच्छा, पढ़वाइएगा जी, कोशिश रहेगा पूरा कोशिश। अच्छा, अब आपके, मैं गाँव में भ्रमण किया आपके पंचायत में, मैंने देखा कि बहुत सारे रोडों में दिक्कतें थी, कच्ची रोडें मैंने देखी, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कब तक वो रोड पक्की होंगी? तो अभी तो अब शुरुआत है जी जी, कोशिश रहेगा कि जल्दी से सब लोगों को अच्छे रोड मिले चलने के लिए, और हमारा कोशिश रहेगा कि अभी से जो गांव का जो बात है जी, पेपर ब्लॉक का काम तो हमदार है बता, मतलब निधि है उसके लिए, और हम कोशिश करेंगे कि हर गांव में जहां जहां अति आवश्यक जरूरत दिख रहा है पहले वहीं से शुरू किया जाए। ऐसे में आप जनसंपर्क कर रहे थे, उसी समय आप लोग हमसे मिले, हम आपको मिले दिखे, सोचे कि आपसे कुछ सवाल पूछा जाए, जब आप जेल से छूटकर जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से और जनता की समस्याओं का आप देख रहे हैं, तो जरूर मैंने देखा कि जरूर आप कुछ कीजिएगा जनता के लिए। तो आपसे मैं सवाल किया तो आपने बहुत सारा बताया कि हाँ मैं जनता के लिए ये करूँगा यूँ करूँगा, फिर आप जो करिएगा आप जनता ही बताइएगा। तो मैं पहले जनता से भी पूछूंगा कि अब ये मुखिया जी जो है कि आप लोग, आप क्या चाहते हैं कि आप लोग की क्या कर लें, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। जोगिंदर माझी। तो आप क्या चाहते हैं अपने पंचायत के मुखिया जी से, क्या चाहते हैं? तो हमने का चाहते हैं सर, यही मैंने भाई कच्ची भाई रोड बा, माने पोखरा उखरा बा, कोनो रोजगार नहीं थे, तो ये चाहते नहीं सर। नहीं सब हो जाए, आपको रोजगार मिल जाए, जेकर कोलनी नहीं खेती करू, कोलनी के आप क्या चाहते हैं? जून के महीने में इसी गांव में देखिए कितना पूरा मतलब खुश का घर है, और गर्मी का समय था, पूरा आग लग गया था, ठीक है, काफ़ी लोगों का दिक्कत का सामना करना पड़ा था उस समय बहुत घर लगभग 22 घर, छोटे बड़े 22 घर, 16 आदमी का 22 घर जल गया, सबको मुआवजा दिलाया गया, और आज फिर जैसे घर था वैसे तो बन गया है, लेकिन अभी डर है। हम इन लोगों से उस समय बोले थे कि हम जब मुखिया बनेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस गांव में सभी को पक्का का मकान आवास हम दिलाएंगे, ये हम वादा करते हैं। अभी लोगों से आप बात कर सकते हैं कि ये अपना बताएंगे ये लोग बात की, उस समय हम कुछ भी नहीं थे, हम पहले से ही समाज से जुड़े हुए आदमी हैं, हम चाहते हैं कि हम जब दबे कुचले शोषित लोगों को हम जब देखते हैं तो मेरा दिल थोड़ा दहल जाता है, इन लोगों का कष्टकारक जिंदगी जो है, इसीलिए तो आपको जनता ने चुना है कि जो है कि जनता की समस्याओं का आप समाधान करेंगे, और नहीं तो जनता से मुखिया जी अपील कर रहे हैं कि आवास पे पूरी ध्यान कर रहेगा, आवास जो है कि आवास के मुहैया पूरी तरह से अच्छी तरह सुचारू रूप से करेंगे। तो मुखिया जी, जहाँ तक बात ये निकल के आती है कि मुखिया जी सारे कामों को अच्छी तरह से सुचारू रूप से कराएंगे, शिक्षा पे भी मैंने बात किया, रोजगार पे भी बात किया, आवास पे भी बात किया, उसके बाद से लास्ट अंतिम सवाल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि योजना आया सरकार की तरफ से नल जल योजना जो 7 निश्चय के अंतर्गत आता है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नल जल योजना हर घर में सुचारू रूप से वो है कि चलाइएगा? हाँ, लेकिन यहाँ पे तो नल जल योजना का जो वो टंकी भी लगा है, काम भी हुआ है, हम देख रहे हैं कि घर घर नल जल नहीं है, नहीं चल रहा है। अभी यहाँ भी हम आप देख सकते हैं कि कहीं नल जल का पाइप नहीं लगा है, टोटी नहीं लगा है, यहाँ पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो अब यही लोग, ग्रामीण लोग बताएंगे कि कौन क्या कराए हैं, कौन की कौन वार्ड थे, कौन प्रतिनिधि थे, जो अभी वर्तमान में कौन वार्ड है आपके पंचायत? वर्तमान में तो अभी मुकेश जी वार्ड है। मुकेश जी कहाँ पे है? मुकेश जी तो मुकेश जी मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं है। अच्छा, उनसे मैं सवाल करूँगा कि जो है कि क्यों नहीं अभी तक ये हुआ? वही है, अच्छा, अपने पंचायत के हर एक वार्ड में जो है कि आप नल जल योजना पे पूरी तरह से ध्यान करिए, जो अगर नहीं काम हुआ है हम कोशिश करेंगे कि वो लोग काम करें और घर घर तक
पाइप हो जाए। तो जहाँ तक मुखिया जी पूरी निष्ठा के साथ पूरी अच्छा से जो है कि कार्य को सफल करेंगे और जनता तक पहुँचाएंगे, और हमारे भारत लोकतांत्रिक भारत देश में ऐसे ही मुखिया चाहिए जो कि इनको जनता ने बहुत उम्मीद के साथ इनको चुना और इनसे बहुत ही आशा करती है जनता कि हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। कुछ यहाँ पे बहुत सारे पंचायत में जब भ्रमण किया तो बहुत सारे गरीबों को मैंने देखा, गरीबों को जूझते हुए मैंने देखा, और गरीब महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हैं। तो अच्छा मुखिया जी, आप महिलाएं के लिए क्या करिए, महिलाएं के बारे में कुछ सोचिए। महिलाओं के बारे में क्या है कि ये लोग तो बेरोजगार हैं और महिला कहाँ जाएगा काम, मतलब जाएगी काम करने, और ये जो पीछे क्षेत्र जो है काफी पिछड़ा है, यहाँ पे कोई भी कंपनी और कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि लोग को दो पैसा की आमदनी हो। किसी तरह ये लोग जंगल से, मतलब जंगल करीब में है तो वहीं से गुजर बसर किसी तरह से मजदूरी करके जीते हैं, काफी कठिनाई का सामना लोग करते हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि लोग, ये वही ना बोल रहे थे कि बेकरी और ऐसे जो सिस्टम कुटीर उद्योग लगाने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी वो योजना का लाभ इन लोगों को मिले। आप कोशिश कीजिए तो जरूर होगी कि आपके आपके पास एक ये पद है ना, तो उसको आप अच्छी तरह से कोशिश कीजिए तो जरूर होगा। अच्छा, हमारे सामने एक माता जी खड़ी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इसी पंचायत के वो भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। मतलब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम अभी तो नवनिर्वाचित मुखिया हुए हैं और इसी को लेकर हम बात रख रहे हैं कि हम चाहेंगे कि किसी को भी न वृद्धा पेंशन से वंचित होना पड़ेगा हमारे कार्यकाल में, और ना ही कोई इंदिरावास में कोताही हम बरतेंगे। सबको हम चाहेंगे कि इंदिरावास मिले, और हम इसका जांच भी कराना चाहते हैं जी। बहुत जल्दी हम इस पर काम करेंगे, जैसे बहुत लोग का राशन कार्ड नहीं है जी, बहुत लोग का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है जी, बहुत लोगों का वृद्धा पेंशन में फार्म भरा गया है लेकिन उसको अभी तक उसे वंचित रखा गया है जी। तो हम उस पूरा सूची हम ब्लॉक से निकालने वाले हैं जी जी, और हम सबको इस सब से इस सब का मुहैया कराएंगे, सबको लाभ दिलाएंगे जी। बिल्कुल, बात यहाँ तक समापन।